वेलकम टू अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज एंड एस ओ चैनल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि द अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं इसका एक्चुअली क्या टिप हो सकते हैं या फिर इसके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आपके पास लगभग 55 फाइव टू सिक्सटी डेज है बट ये 55 और 60 डेज को आपको बहुत ही लॉजिकली प्रेगमेटिकली अपने ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर करना होगा सबसे पहला द फर्स्ट रूल सेज दैट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन आपका एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए आप जो भी पढ़ाई करें उन सभी चीज़ों में चाहे आप जो भी चैप्टर्स करें आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप कोई भी टाइप का फॉर्मेट पढ़ें आपका अगर फाउंडेशनल लेवल स्ट्रांग नहीं है तो आरबीआई ग्रेड बी इज नॉट द एग्जामिनेशन ट विथ यू आपका अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो मुझे नहीं लगता इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके लिए है बट आपको फाउंडेशन के अलावा क्या क्या चीजें पर ध्यान देना चाहिए तो सबसे पहले आपको सारे मेजर टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं पर आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि मैम आप मेजर टॉपिक्स तो बोल रहे हो आपने क्लास में कई बार बताया है कि मेजर टॉपिक्स क्या हैं बट एग्जैक्टली हाउ मैनी टॉपिक्स शुड बी कवर्ड कौन से जगह पे हम आके ये देख लें कि ये समझ लें कि हाँ जी अब हमारा सफिशियंट प्रिपरेशन हो गई है नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर पहली चीज दूसरी क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए क्या ऐसा हो कि मैं आरसी से स्टार्ट करूं क्या ऐसा हो मैं इवन फेज टू से स्टार्ट करूं क्या ऐसा है कि मैं ग्रामर से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले डिवाइड योर एंटायर इंग्लिश सिलेबस इनटू थ्री मेजर पार्ट्स वर्बल एबिलिटी ग्रामर एंड आरसी आपको वीए ग्रामर एंड आर में इसी तरीके से फॉलो करना होगा पहले वीए पढ़ेंगे फिर ग्रामर पढ़ेंगे फिर आरसी पढ़ेंगे जब आप वी ए पढ़ेंगे तो वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आप किस किस चीज को पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले मेक श्योर दैट यू गो विद डबल डबल फिल। फिल अब जब मैं कह रही हूँ तो मेक श्योर sure आप सिंगल फिल पहले पढ़े फिर डबल फिल पढ़े ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो मैच मैच आप कर ले, कर ले ले फॉलोइंग जो आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पर कॉलम बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का चैप्टर करना चाहिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बाद कॉलम बेस्ड एंड फॉलोड बाय पारा जम्बल इसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेज कनेक्टर्स एंड इडियम्स इन फ्रेजेस तो वर्बल एबिलिटी में एक बार आपके ये सारे क्वेश्चन अलॉन्ग विथ क्लोज टेस्ट आपका ये सारा कुछ हो जाए लॉन्ग विथ उसके बाद आप अपने आप को एक पॉज दे सकते हैं फॉर वर्बल एबिलिटी इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग वर्बल एबिलिटी और आप अगली चीज क्या करेंगे यू विल गो विथ ग्रामर पोर्शन नाउ ग्रामर पोर्शन में हमें क्या करना होगा ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश दैट मीन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द ग्रामर सबसे पहले ग्रामर के जो पार्ट ऑफ स्पीच है उन सबके आइडेंटिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे आप तभी आरबीआई ग्रेड बी में सक्सेसफुल हो पाएंगे आपको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा नाउन प्रोनाउन आर्टिकल वर्ब एडिव एंड वर्ब ऑल चैप्टर्स एक बार आपने सीख लिया उसके बाद आप इन चैप्टर्स के इंडिविजुअल रूल्स पढ़िए इम्प्लीकेशन पढ़िए बट पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए इन आइडेंटिफाइंग और लास्ट में देर इज एब्सोल्यूटली नो ग्रामर कोर्स इन एंटायर वर्ल्ड विच कैन नॉट एंड उटंगमेंट एंडको सब्जेक्ट वर्फ अग्रीमेंट और पैरलिज्म अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो अधूरा है आप अपने टीचर से बोल सकते हैं कि मैम अधूरा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू शुड बी कम्प्लीटिंग इट ए एस ए पी थर्ड चीज जो आपकी आती है आपका वी हो गया आपके ग्रामर uh, वाला पोर्शन हो गया थर्ड थिंग इज रीडिंग थिंगशन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी तो मैंने अभी संडे को एक सेशन लिया था 2016 से 2022 के सेट वन सेट टू तक के जितने आरसी आए हैं सारे आरसी का एक डिटेल डिस्कशन किया है मैंने तो ये जो आरसी एनालिसिस था वहां पे कुछ हमने कंक्लूजन uh, निकाला कंक्लूजन ऐसा था कि सबसे पहले 2022 आते आते उन्होंने आरसी में वेटेज बहुत बढ़ा दिया उनका वेटेज जो है बहुत बढ़ गया नेक्स्ट इज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज टा क्वेश्चन जैसे कि इंफ्रेंस बेस्ड टोन्स बेस्ड या फिर सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चन वोकैबलरी एंड ग्रामर क्वेश्चन इनक्लूडेड इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑथर्स ओपिनियन वाले क्वेश्चन तो बेसिकली आपको आर सी भी ऐसा सॉल्व करना होगा विच इज आरबीआई ओरिएटेड आपका अगर ग्रेड बी टारगेट है तो ग्रेड बी के लिए आपको ग्रेड बी के लिए ही तैयारी करनी है डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ की मैं ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम दोनों की तैयारी कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए यू हैव डेज आप डेडिकेट करिए ये 60 days को अपने उस गेम के लिए अपने उस ड्रीम के लिए कुछ बुरा नहीं हो सकता है जो होगा अच्छा ही होगा इनफ

के बाद मुझे 30 में से 25 प्लस मिल जाएगा पहले तो आप अपने आप से पूछे कि आप 30 में से 25 प्लस चाहते हैं या नहीं 200 नंबर का आपका पेपर होता है 120 मिनट में आपको ये पेपर लिखना होता है इसकी जो कट ऑफ जाती है ये लगभग 70 टू 70 मार्क्स इज अ गुड स्कोर 80 मार्क्स इज अ सेफ स्कोर अगर आप सेवेंटी भी टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए भी अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है या फिर रीजनिंग अच्छी नहीं है या फिर करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा हो ना हो एक चीज़ फिक्सेटेड है इंग्लिश का जो सिलेबस है इंग्लिश के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश का जो पैटर्न है वो फिक्सेटेड है वो चेंज नहीं होगा तो इंग्लिश हैंस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस कोई भी आप अपना प्रीवियस ईयर का कोई भी कट ऑफ उठा के देख लेंगे यू विल सी इंग्लिश की कट ऑफ बहुत लो जाती है बट अगर आप जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आप देखेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं सोचिए अगर पिछले साल 67, 68 मार्क्स अगर कट ऑफ गई है तो अगर जिस बच्चे के 25 प्लस आ गए उसको बाकी सारे क्वेश्चन बाकी सारे सब्जेक्ट मिला के लगभग सिर्फ फिफ्टी मार्क्स लेके आने थे तो मेक श्योर दैट यू मेक इंग्लिश योर स्ट्रेंथ बिकॉज इंग्लिश इज डूएल इंग्लिश किया जा सकता है इतना करना सफिशियंट ऑफ कॉर्स नहीं होगा कुछ चीजें हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अपनी वोकेबलरी रोज सुधारनी पड़ेगी ईडियम्स एंड फ्रेजेस आरबीआई हर साल पूछ रहा है इस साल भी पूछेगा आपको वो डेली सुधारना पड़ेगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से आपकी वोकेबलरी बेहतर होगी जिससे आप बेसिकली अपने फेज वन फेज टू दोनों में हेल्प पा सकते हैं और इन सभी के लिए आपको करनी पड़ेगी रेगुलर प्रैक्टिस आप ये रेगुलर प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं यू कैन डू दिस रेगुलर प्रैक्टिस विथ अस ऑन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन बॉडीज इन दिस सेशन ये जो हमारा सेशन है द हिंदू एडिटोरियल सेशन वहां पे आप मिलिए हर दिन शाम सात बजे मैं ये सारी चीजें आपको करवाती हूँ बट इसके अलावा एक और चीज मैं करवाती हूँ विच इज फेज टू का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एनालिसिस अगर आप फेज टू के लिए परेशान है आपको लग रहा है उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप सात बजे मिलिए आपको वहां पे एनालिसिस भी मिल जाएगा मेरा लास्ट वर्ड आपसे ये होगा प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी आपको रिवीजन अच्छे से बार बार करना पड़ेगा आपको मॉक्स टाइम टू टाइम देने हैं आप अपने आप को एनालाइज थरली करिए कभी भी ये मत करो कि मान लो मैंने क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया और क्लोज टेस्ट के उस पूरे के पूरे पैसेज में मेरे फाइव में से मान लो सेवन क्वेश्चन थे और उसमें से मेरे फाइव रॉन्ग चले गए सिर्फ मैंने दो ही करेक्ट हुए तो दुखी होके बैठ नहीं जाना है सोचना है कि क्यों गलत हुआ अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो योर प्रैक्टिस योर प्रिपरेशन योर हार्डवर्क योर टाइम योर टीचर्स टाइम ऑल ऑफ दैट इज वेस्ट ऑल ऑफ दैट इज डाउन साउथ आपका बहुत अच्छी एग्जाम में तैयारी हो सकती है अगर आप अवेयर रहें आप कॉन्शियस रहें कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है तो एनालाइज एंड फाइंड फाइंड मेंटोर समबडी जिसके ऊपर आपको पूरा पूरा ट्रस्ट हो जिसकी आपकी वो बातें समझ में आती हो और उसे आप फॉलो करें फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास अभी दिन कम है और ये जो कम दिन है इसमें पढ़ाई सबसे ज्यादा अच्छे से करनी पड़ती है तो मेक श्योर sure कि आप रजिस्टर करें हमारे बैच में वी हैव बैचेस हियर ये हमारे बहुत सारे बैचेस हैं और यहाँ पे दिस इज द बैच द मिशन आरबीआई ग्रेड बी बैच जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ और आप मिशन आरबीआई ग्रेड बी बैच में अगर इन्वॉल्व होते हैं मेरे साथ तो मैं वहां पे डिस्क्रिप्टिव सबमिशन लेने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव सबमिशन ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव सबमिशन आपके शाम सात बजे यूट्यूब पे भी होते हैं और मैं इस बैच में पर्सनली भी लेने वाली हूँ तो आप इस बैच में जरूर एनरोल करिएगा बाय यूजिंग द कूपन कोड बाय सिक्स फाइव नाइन आप जब वाई सिक्स फाइव नाइन यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन बैचेस में और क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी चल रही है तो मेरा आपसे पर्सनल सजेशन होगा दैट यू शुड गो फॉर आइदर बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी बॉडीज महापैक बैंक महापैक प्लस इफ यू आर गोइंग टू इफ यू आर प्लानिंग टू नॉट जस्ट राइट आर बी आई बट ऑल्सो एस बी आई आई बी पी एस एंड इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर ऑक्टोबर नवंबर में जब सीजन आएगा और नहीं तो अगर आप सिर्फ रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम एंड एसओ इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर देना चाहते हैं तो इसके लिए रेगुलेटरी ऑफ दीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई एम श्योर यू गेट अफ मिंटोरशिप ऑफ गाइडेंस एंड सक्सेस इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू एंड एन आइस डेड जाने से पहले एक और बात बता दूँ कि हाँ जी यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी पर्सनली ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ मिटॉर किंजल सो बाय एंड टेक केयर